टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से दो शराब तस्कर घायल हो गए। घायल तस्करों के कब्जे से पुलिस ने एक ट्रक में लदी हुई 350 पेटी अवैध शराब और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल घायल तस्करों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। दरअसल गुरुवार देर रात दादरी पुलिस और शराब तस्करों के बीच दादरी बाईपास पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दो तस्कर हरदीप और हाकिम पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल अवस्था में दोनों को जिला अस्पताल भेजा गया। तस्करों के कब्जे से एक ट्रक जिसमें लदी हुई 350 पेटी अवैध शराब यानी कि इंपीरियल ब्लू, दो तमंचे में 5 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में लगातार शराब तस्करों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों में काफी शराब बरामद हुई है, उसी की कड़ी में आज दादरी पुलिस की दादरी बाईपास पे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए उनको जनपद अस्पताल में भेजा गया है। यह शराब अम्बाला पंजाब से आ रही थी और ये कलकत्ता को जा रही थी। इसमें लगभग 350 पेटी शराब है इंपीरियल ब्लू, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये है और यह कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह प्रक्रिया लगातार तस्करों के विरुद्ध जारी रहेगी। सर, बदमाशों से और क्या क्या बरामद हुआ है? बदमाशों से तमंचे बरामद हुए हैं, 2 कट्टा बरामद हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें एक पूरा ट्रक बरामद हुआ है जिसमें 350 पेटी शराब है और इसमें जिप्सम लदा हुआ है। ऊपर और साइड में जिप्सम रखा है और उसके बीच में रख करके ये शराब तस्करी को ले जा रहे थे। पूछताछ में शराब तस्करों द्वारा बताया गया कि वो शराब को अम्बाला से ला रहे थे और कोलकाता लेकर जा रहे थे। शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। टाइम 24 न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से भूपेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।